और देखिए लगातार अब ये खबर आ रही है कि दो लोग थे, देखिए दो लोग विजिटर गैलरी में घुसे थे। हमारे साथ अगर हमारे सहयोगी अमोद राय भी जुड़े हों तो उनका भी रुख करेंगे और बताएंगे आखिरकार ये किस तरीके से लगातार एक बड़ा ब्रीच है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर। और कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ विजिटर गैलरी से दोनों ये शख्स कूदा बल्कि स्पीकर की तरफ लगातार बढ़ता। और देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको पुलिस, दिल्ली पुलिस की जो टीम है जो सिक्योरिटी में रहती है वो इसको लेकर जा रही है। और ये देखिए टीयर गैस आप कह सकते हैं इसको, इसको लगातार ये स्प्रे करता हुआ जा रहा है और यही गैस इसने लोकसभा के अंदर भी छिड़कने की कोशिश की। और अभी इन दोनों शख्स को सिक्योरिटी ने कहां रखा हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यह जरूर है कि एक बड़ा ब्रीच है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि विजिटर गैलरी में पहुंचना और खासतौर पर इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स को वहां फॉलो किया जाता है, कई जगह पर चेकिंग होती है, मल्टीपल चेकिंग्स होती है, कई लेयर्स होती है, और उसके बावजूद ये शख्स अपने साथ अगर ये टीयर गैस लेकर गया तो वो भी अपने आप में एक बड़ा एक ब्रीच है जो सिक्योरिटी ब्रीच है खासतौर पर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर। और देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ ये तस्वीर कि कैसे पार्लियामेंट के बाहर सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनको, एक महिला है और कहा जा रहा है कि एक पुरुष है, देखिए दो लोग हैं जिसको ले जाते हुए और स्लोगन या लगातार वहां पर नारेबाजी भी कर रहे थे। और दूसरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे वो शख्स जो बताया जा रहा है 20 से 22 साल का लड़का था वो लगातार उन टेबल से जहां पर सांसद बैठते हैं उन पर कूदता हुआ आगे बढ़ रहा था और इसकी कोशिश थी कि स्पीकर की तरफ आगे बढ़े। और बड़ा एक कंसर्न है खासतौर पर सिक्योरिटी को लेकर करीबन, ये इसलिए भी क्योंकि ये एक संसद की सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं खासतौर पर तो ये कहा जाता है नाक में उसके, तो वहाँ हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया, एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है अंदर अभी चल रही है। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया, अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते हैं वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए। चोट भी लगा? नहीं नहीं किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कुत्ते आए पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से, बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, दो मंत्री थे अंदर। आज बहुत ही बड़ा अटैक की 21 साल हुए हैं, आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए, जैसा कि अभी प्राइम फेसी पता चला है कि कोई एक कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है, कोई सागर करके उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो एक जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहाँ पर जो है वह अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए हैं। लोग अचानक किस तरीके की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी, लोकसभा के अंदर की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दो लोग थे, एक महिला और एक पुरुष।